तरह के आप लोगों को यहाँ बुलाया गया आज से 3 दिन पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सामने जो राष्ट्रीय एक एजेंसी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उनके गलत कामों की जानकारी आज से 3 दिन पहले हमने आपके सामने रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो हमने प्ले करके आपको दिखाया था जो फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जिस दिन क्रूज पर एनसीबी ने छापेमारी की उस दिन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उस दिन मैंने सवाल खड़ा किया था कि एक जवाबदार अफसर इस तरह से वेग स्टेटमेंट कैसे कर सकता है। अगर डिटेंशन हुआ है 8 लोगों का तो 8 लोग हो सकते हैं या 10 लोग हो सकते हैं। उस दिन भी सवाल खड़ा किया गया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया क्या। आपको फिर वीडियो में सुना देता हूं, एक आधे मिनट की वीडियो है जो जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। आप लोग पहले सुन लें फिर आगे चलाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। ना वो 8 लोग थे ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस भी उसमें नजर बनाए रहती है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम है ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। पहले आपको मैं ऋषभ सचदेवा के बारे में कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये महाशय डिटेन किए गए फिर छोड़ा गया। पहले आप लोग वो वीडियो देख लें जो इन्हें छोड़ा गया या जो उन्हें डिटेन किया गया। डिटेंशन वाली जो वीडियो हमारे पास है वो एक चैनल की है, वो खाली प्ले करके आपको दिखाता हूं। लेकिन छोड़ने वाली हमारी एक्सक्लूसिव हमारी वीडियो है। डिटेंशन वाली ये गावा साहब जो है, ये ऋषभ सचदेवा जी जो हैं, इनको डिटेन किया गया। ये डिटेन करके इनको ले जाया गया। ये 3 लोग हैं जो अंदर जाते हुए हैं। फिर आपको ये 3 लोगों को जो छोड़ा गया वो 2 वीडियो में है, वो दोनों भी वीडियो हम प्ले करते हैं।
फुल स्क्रीन पे दिखाओ। फिर से देखना है इसको तो दिखा देते हैं एक बार फिर। देखिए ये वापस जब छोड़ा गया ये जा रहे हैं वापस। जाते समय ये ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा ऋषभ सचदेवा और साथ में प्रतीक गाबा ये जा रहे हैं। जो एक चैनल पे तीन लोगों का जाता हुआ हमने दिखाया, जो तीसरा व्यक्ति है आमिर फर्नीचर वाला, वो जब छोड़ा गया उसकी भी वीडियो आप पहले देख लें, फिर विस्तार से हम ब्रीफ करते हैं। ये तीनों लोग पहला व्यक्ति ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ है। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारती देखिए, ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्टाफ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है। नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉ जिंदगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है। और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा जिसे डिटेन किया गया और 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया, जब वो छूट कर निकले उनके साथ उनके पिताजी भी थे, उनके अंकल जी भी थे। छोड़ा गया तीनों लोगों को साथ में, जो 2 लोग हैं प्रतीक गाभा, आमिर फर्नीचर वाला। जब सुनवाई चल रही थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, इनका नाम रिफ्लेक्ट हुआ है आर्ग्यूमेंट में। इन 2 लोगों के बुलावे पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की, रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी।
हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा। हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया। पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह 3 लोगों के फोन लिए, उन्होंने देखा ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष है कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए, हमें शंका है कि उनके पिताजी के फोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है। और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं कि एनसीबी इसको लेके खुलासा करेगी। एक चीज और सामने आई है जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में, जो केपी गोसावी है जो कि फराज थाना पुलिस स्टेशन से फरार है, वो 2 जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस। एक मुनमुन के केस में, एक आर्यन के केस में और 2 पंचनामा में उसके 2 एड्रेस अलग अलग लिखे हुए हैं। एक थाना का एड्रेस है, एक नवी मुंबई का एड्रेस है। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले हुई, एनसीबी के लोगों ने कार्यालय के सामने सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप साथियों ने सवाल पूछा तो दिल्ली से आए हुए अधिकारी ने कहा कि प्रेजुडिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रेजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूं कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। मैं आज फिर खुलासा करता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आप नवंबर 2020 के अखबार खोलें, जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारी हुई मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है। उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे। आपने किया है, निर्दोष है, वो निर्दोष अपना जो भी है उसका दामाद सिद्ध करेगा। लेकिन जो आज हम सवाल उठा रहे हैं
जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया उसका जवाब से लोग भाग रहे हैं। आज फिर हमने सवाल उठाया है, उम्मीद करते हैं कि एनसीपी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो है दरेकर साहब बोल रहे हैं कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो एनसीपी को ले जाके दें। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी? हमें लगता है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता श्री प्रवीण दरेकर जी, आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सारी जानकारी उनको ही दो, इस तरह की बात करना ये गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं मांग करता हूं कि इतना बड़ा मामला है कोई कमीशन आप बिठा दीजिए, ये सारी जानकारी जो मैं दे रहा हूं गलत है, उसकी जांच हो जाए, एनसीबी की जांच हो जाए, सारी जानकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन यह कहना कि एनसीबी के सामने सारी जानकारी दी जाए, हमें लगता है जिनकी गलतियां गलत कामों को उजागर किया जा रहा है उनको ही जानकारी दी जाए, इस तरह की बात हमें लगता है ये कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं। फिर कहता हूं कि एनसीबी बताए कि तीन लोगों को क्यों डिटेन किया, क्यों छोड़ा, उनके घर के लोग अंदर कैसे आए, किस नेता का फोन आया था, किसके बोलने पे छोड़ा गया, ये सारे सवालों का जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा।